महानगर के पुलिस लाइन सभागार में बुधवार को डायल 100 के 2 वर्ष पूरे होने पर एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा के नेतृत्व में व्यापारियों के साथ गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें व्यापारियों से डायल 100 के कार्यशैली पर चर्चा की गई। इस दौरान व्यापारियों ने 100 नंबर पर सूचना देने के बाद गाड़ियों के देर से पहुँचने की बात व मौके पर पहुँचने के बाद पीड़ितों से हो रही दुर्व्यवहार करने की बात एसपी ट्रैफिक से बताई, जिस पर एसपी ट्रैफिक ने उनकी शिकायत दूर करने का आश्वासन दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने कहा, इसमें जो एक नई कांसेप्ट हमको दे दी इन्होंने, अब मैं उसको इंप्लीमेंट करूंगा। मैं एग्जांपल बता रहे हैं सन 2009 का, जब यहाँ पे डीआईजी हुआ करते थे असीम अरुण जी, तो उस समय संसाधन हम 100 यूज करते हैं, लोगों को बताते हैं। जैसे अब मान लीजिए नॉर्मली जो मेरी थिंकिंग है कि कोई भी पीड़ित ही आगे डायल 100 पे फोन करेगा, उसमें होता क्या मेरे जैसा पढ़ा लिखा आदमी जो एक एड्रेस चला रहा है वो तो फिर भी उसको ऑपरेट कर ले रहा है, क्योंकि उस समय कॉल उठे में की में नहीं जा पाता है। समय कम बस दुनिया भर की बात को तो मर जाएगा। जैसे 108 पूछता है, जो अभी गोरखपुर में इतनी गाड़ियां 100 नंबर की लग चुकी है कि त्वरित कार्रवाई के लिए पहुंच जाएंगे। मेरा अपना अनुभव है, मेरे यहाँ अभी बलदेव प्लाजा में एक चोर मोबाइल चुरा लिया था शाम को 5 बजे की घटना थी, और धनतेरस के 3 दिन पहले की घटना थी। एकदम ऑन द स्पॉट उसने दिंगाड़े ऐसे लेके भाग गया मेरे दुकान से, तो हम लोग चूंकि तुरंत उसको दौड़ाया उड़ाया, फिर 100 नंबर पे हमने खुद कॉल की। 45 मिनट लगभग 30 से 45 मिनट लगा पुलिस, जबकि गोल घर बलदेव प्लाजा हर्ट है मतलब पूरे गोरखपुर का, और जो पीआरवी आई इतना गलत व्यवहार था उन लोगों का कि मतलब वो लग रहा था कि पीड़ित वो चोर नहीं है, पीड़ित ये दुकानदार, मतलब जैसे ये जुर्म जो है इस दुकानदार ने कर दिया, चोर को पकड़ लिया, क्यों आपने ऐसा कर, दूसरे दिन इनसे पूछे होंगे। नहीं नहीं सर, ये तो खाली इतने लोगों की बात हो गई ना, जनता के लिए कोई नहीं है, उसकी आती रहती उसके लिए जैसे मतलब हम वार्ड वाइज प्रचार करेंगे। मानवता बताया जाता है, मानवता होना चाहिए, लेकिन अगर किसी कारण से ये समाज में हमको बताने की जरूरत है कि अगर आपके साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, आप जो आपके पास इवेंट संख्या आए थे मोबाइल पर आते उसी आप काम करिए 100 के ऊपर, और एक बोली तो होना चाहिए। और मैं नोडल अधिकारी हूँ इसका, और दूसरा चीज जो है अगर आप देखेंगे उसको तीसरा नंबर बैन किया जाए कि इसको जो है प्राथमिकता के तौर पे, जिससे कि लोगों को ये पता चले कि तीसरा प्राथमिकता तौर पे इनको जगह दिया जाए, जिस तरीके से एम्बुलेंस के लिए जगह दिया जाता है, जिससे कि जो हमारा आपने जैसे बताया कि 11:30 का टाइम है, हो सकता है वो 8 मिनट हो जाए, वो 7 मिनट हो जाए ट्रैफिक की वजह से, पहली चीज। एक्चुअली ये जो आज मीटिंग हुई है, हमारा यूपी 100 के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक जनता को यूपी 100 के विषय में बताना और उनका प्रतिक्रिया लेना, इस संबंध में पूरी संगोष्ठी आयोजित की गई थी, और इसमें सभी लोगों ने बड़ा उत्साह के साथ भागीदारी दिखाई और बहुमूल्य सजेशंस दिए, उनको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और जो हमारी कमियां बताई हैं उनको हम लोग सुधारेंगे।